वेलकम टू सोम टेक। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एकेडमी की जो स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है उससे कौन कौन सी सर्विसेज आप घर बैठे यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। सबसे पहले आप एकेडमी की साइट पे जाइए, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करिए स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट डैशबोर्ड आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद न्यू टैब ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है स्टूडेंट डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड की मदद से हम अपनी जो प्रोविजनल डिग्री होती है उसको प्रिंट कर सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं, और हम जो कंप्लेन रिगार्डिंग रिजल्ट लिखते हैं वो भी ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट वेलफेयर सेल, चरित्र कल्याण निधि, स्टूडेंट ऐप पर है, उसके वजह से आप मोबाइल में ही सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। ये स्टूडेंट सर्विस टैब है, ये आप नेट से चलाने के लिए कोई भी कंप्लेन वगैरह करने के लिए होती है। एंटी रैंक सेल के लिए है, उसके आप यहाँ पर सर्कुलर वगैरह पड़े हुए हैं। ये आपकी जो डिग्री और मार्कशीट जो उसकी यूनिवर्सिटी द्वारा भेजी जाती है उसे ट्रैक करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। नीचे आएंगे न्यू यॉर्क कॉलेज, ये कॉलेज की रेटिंग वगैरह चेक करने के लिए, चैलेंज वैल्यूएशन स्क्रूटनी के लिए हमें यहाँ क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद आपको 5,000 रुपये देने होंगे वैल्यूएशन के लिए, और 1,000 रुपये स्क्रूटनी के लिए देने होते हैं हमें। ये स्टूडेंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है, ये वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका कॉलेज बंद होने वाला होता है। यहाँ से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर सकते हैं कैरी ओवर का और रेगुलर का। जब वो पेपर होते हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हम इस वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं, और जो एग्जाम सेंटर पर अटेंडेंस होती है हमारे पेपर में वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इन सबको चेक करने के लिए एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, बस अपना रोल नंबर डालना, सब कुछ हो जाता है। देखिए एग्जाम सेंटर अटेंडेंस देखने के लिए ये डाउनलोड एडमिट कार्ड, उसके लिए भी आपको केवल अपना रोल नंबर डालना होता है, हो जाता है। दोस्तों आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको मेरी वीडियो मिलती है।